उत्तर देते जाना भैया। आप लोग काफी सीखे हुए हैं, सुनते रहते हैं प्रवचन। ये जो बच्चे हैं सोफा पे पहली बार आए हैं, मैं सब इन्हीं को सुना रहा हूं और इनसे ही सुना के पूछ रहा हूं। सब प्रश्न इतनी है मेरे तो। राम जी सबरी के पास गए कि सबरी राम के पास गई, तुमसे प्रश्न है। तीनों से है, कोई भी बता दो। अरे अब ये तीनों ने बहुत देर लगाई सोचना सोचना, सोच के जवाब दे रहे हैं। क्यों दे रहे? क्योंकि इन चीजों से हम अलग हैं, इसलिए हमें सोचना ही पड़ेगा। अगर फ्रिज दूर है, ठंडा पानी पीना है, सोफा है 3 मीटर, तो 3 मीटर चल के जाना है, फ्रिज खोलना है, पानी निकालना है तो मिलेगा। बस इसका मतलब दूर, हम इन चीजों से दूर हैं, इसलिए हम अब ये जवाब देने में कम पड़ रहे हैं कि राम गए थे या सबरी गई थी। पीछे वालों ने कथा सुनी है तो उन्होंने जवाब कब से दे दिया, राम गए थे सबरी के घर, सबरी को राम के पास आने की जरूरत पड़ी नहीं। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सबरी भगत थी, उससे सबरी को भगत बनना पड़ा, पढ़ना नहीं पड़ा, वो थी ही भगत। और भगत कौन होता है अंदर से? जिसने जीवन में गुरु के वाक्य को झूठा ना किया हो, वो प्योर भगत होता है, उसे बनने की जरूरत, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और जो गुरु के वाक्य को नहीं, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, वो कभी भगत बन ही नहीं सकते। सारे दरवाजे बंद रहते हैं उनके लिए महाराज, कोई दरवाजा खुल नहीं सकता। कितना भी झूठ बोल लो, सच बोल लो, अरे भगवान ने जिसे अपना लिया, भगवान ने जिसको पकड़ लिया, आप उसके बारे में जो चाहे सो कहो, कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा ने पकड़ रखा है, तुम्हें चिड़के क्या फायदा मिलेगा? भगवान जब रूठ जाए तो सारा दुनिया रूठ जाती है, फिर कोई संभाल नहीं सकता बिगड़ी को। परमात्मा ने पकड़ा है तो दुनिया में कोई कुछ किसी का कर सकता। अरे बावले हो, इतनी तो अकल चाहिए ना कि भगवान ने पकड़ रखा है तभी तो विकास हो रहा है, तभी तो उन्नति हो रही है, तभी तो जय जयकार हो रही है। बिना प्रभु कृपा की ये सब कैसे हो सकता है? ये नॉलेज अगर मुझे है तो हम किसी की आलोचना में नहीं पड़ेंगे, किसी के बकवास में नहीं पड़ेंगे, और हम कभी किसी के साथ द्वंद नहीं करेंगे। सबरी क्यों गई? कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, गोपियों की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा मैया की तरह तुम सुलाते नहीं। हाँ महाराज, हम तो सुलाते हैं भगवान है। कितनों सुनिए ना, हैं कितना सुलाते हैं? खुद की गर्मी में मच्छरदानी लगा में छत पे सो में तो कछु लो, गर्मी में चलो चलो, ज्यादा गर्मी आज, पंखा काम ना कर रहा, पंखा गर्म हवा दे रहा, छत पे चलो, छत पे गए मच्छरदानी तान लई, क्यों भाई? मच्छर काट जाएंगे ना। और भोले बाबा जब मच्छरदानी ऊपर छत पे लगी है सारे भक्तों के, उसके बगल में ही शिव जी का मंदिर, बगल में ही मंदिर है शिव जी का, और मच्छरदानी क्या पड़ी है किसी को? मच्छरदानी की काट जाओ शिव जी को मंदिर में, है मकड़ी के बड़े बड़े जाले मंदिर में, मच्छर भूई भूई कर रहे हैं, मंदिर भरा पड़ा है मच्छरों से, किसी को फिक्र नहीं है, अपनी चिंता सता रही है। मच्छरदानी, गुड नाइट, रात नाइट, फलानी नाइट, ढिकानी, सारे केमिकल छिड़क रहे महाराज मच्छर बचाओ आंदोलन के लिए। नए नए को समझा रहा हूं, लॉजिकली समझाना चाहता हूं, तुम कहीं आडंबरी भाकंडी ना बन जाओ, इसलिए सुधारने के लिए तैयार करो अपने आप को। हमारे एक घर के भगत में निकले आया चूहा, और चूहे के मारे घर का मालिक परेशान। चूहे से खुद को बचाने के लिए सारे प्रोग्राम उसने बनाए, पर उसने ये नहीं बनाया कि
और भी हम जिनकी हम पूजा करते देवी देवता, इनका भी कुछ चूहा करता होगा। किसको पड़ी है? हमें खाली आशीर्वाद चाहिए, हमारा भला हो, कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम पूजा पाठ करते बस उतना है। पर यार ये भी तो सोचो कि तुमने जो शक्कर की कटोरी रखी है भर के, जो तुमने उसमें दो चार दाने छोड़ दिए मनुक्का किसमस के, उसके लिए चूहा आकर भगवान की खोपड़ी पर बैठो है। तुम बताओ ना, तुम सो रही हो रात को और चूहा मोटो सो यहां आके कबड्डी खेले तो कैसो कैसो करेगा मन शरीर? मैं ज्यादा नहीं जानता, कितना भी बलवान कितना भी हिम्मत वाला आदमी हो, पर अचानक चूहा खोपड़ी पे आके गिरे तो आदमी की धड़कन बढ़ जाए, हाय हाय डकराए, धड़ाम धुड़ूम गिरे, इतकु बितकु फिके। सदा बसंतम हृदयारविंदे, इसी के लिए शायरी सी एक लाइन याद आ गई है, वो भी गाता हूं, वो भी कह देता हूं। दिल में छुपी है तस्वीर यार की, सदा बसंतम हृदयार बिंदे, ये ही है। दिल में छुपी है तस्वीर यार की, गर्दन झुकाई तो देख ली। घर के मंदिर में भी भगवान को देखने के लिए बेडरूम से कम 2 मीटर तो जाना ही पड़ेगा, पर यहां वाले को देखने के लिए कहीं जाना नहीं, कहीं से आना हर समय मौजूद है, हर पल मौजूद है।